बुंदेलखंड को समुचित पेयजल उपलब्ध कराने वाले जिम्मेदार नौकरशाह इतने निरंकुश और तानाशाह हो चुके हैं कि यह ना तो जनता की सुनते हैं ना ही किसी जनप्रतिनिधि की। इसकी वानगी देखने को मिली बांदा में, जहां सड़क में जाम लगाए ग्रामीणों की समस्या के समर्थन में भाजपा जिलाध्यक्ष को भी अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का शिकार होना पड़ा। मामला बांदा मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बांदा बहराइच स्टेट हाईवे पर स्थित महोकर का है, जहां आज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कई घंटे तक हंगामा किया। दरअसल महोखर में कई माह से पाइपलाइन खराब थी, जिसके चलते ग्रामीण पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। शाम 4 बजे ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया और जल संस्थान XEN को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इसी दौरान खबर पाकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समस्या को तत्काल दूर करने के लिए जल संस्थान अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन जल संस्थान के जिम्मेदार उन्हें 5 घंटे तक बेवकूफ बनाते रहे। जनता के साथ भाजपा उपाध्यक्ष भी 5 घंटे तक भूखे प्यासे सड़क पर ही इंतजार करते रहे। इस दौरान रात के 9 बजे करीब सड़क में लंबा जाम लग गया, तब जाकर प्रशासनिक अमले की नींद टूटी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जल संस्थान कर्मियों को बुलाकर काम शुरू कराया। बीजेपी नेता का कहना है कि जब सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों का यह रवैया है तो आम जनता के साथ ये क्या करते होंगे। इस दौरान काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। संबंधित एक्सियन संबंधित जेई ये जाम खुला है, मुझसे लगातार झूठ बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट करिए, मैं आके 3 बजे बिना खाना पिए किए बैठ गया आगे। यहाँ हमारे गांव में एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जल संस्थान के अधिकारी हमारे गाँव आते हैं लेकिन आके चले जाते हैं और आला अधिकारी फोन नहीं उठाते। फोन करने पे एक हफ्ते से पूरे गांव की पाइपलाइन बंद, पानी बंद है और एक समथिंग 3 महीने से पूरे गांव का, आधे गांव का पानी बंद है। गांव का पानी नहीं चालू हो जाता तब तक ये जाम नहीं खुलेगा, जाम कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए, एक सप्ताह से महोखर गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर पूरे गांव वालों पे भारी आक्रोश है और उसी विषय पर यहां पर जाम लगा दिया उन लोगों ने और रोज समय देते हैं। अभी 3 बजे से हम लोगों को बैठा रखा है। वही इस मामले में मौके पर मौजूद SDM सदर का कहना है कि जल संस्थान कर्मियों को काम पर लगा दिया गया है और पेयजल समस्या को भी जल्दी ही दूर किया जा रहा है। वाटर सप्लाई डिस्टरबेंस को लेके जाम लगा दिया है पूरी रेफर फर वरना, तो अभी XEN आ गया, काम शुरू हो गया है, अभी सही हो जाएगा, अभी काम खुलवा दिया है। न्यूज़ BK के लिए बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।